दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की ये वीडियो थोड़ा सा आपके हौसले को बढ़ाएगी और थोड़ा सा आपके डर को भगाने वाली है। देखिए बहुत सारे नीचे हम कमेंट्स पढ़ते रहते, सर हमारा पेपर छूट गया। ठीक, अब दिन का छूट गया उसकी तो एक अलग मैटर है, ठीक है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी उनकी बात कर रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं कि सर हमने 13 नंबर का पेपर किया, 15 नंबर का पेपर किया, बहुत डर लग रहा है हमें, अब हमें क्या करना चाहिए, पेपर तो मेरे जैसे तैसे हो गए, हम डग्गा माजी करके बस जुगाड़ उगाड़ लगा के खर्रे ले जाके दिया जाके, लेकिन अब हमें डर लग रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो सर हम आपको एक जमाना याद दिलाएंगे, जिनके पिताजी वगैरह होंगे उनसे पूछिएगा, जिनका थोड़ा पुराना जमाना होगा। सर उस दिन 20 रुपए का अखबार मिला करता था और उस अखबार में कई सारे रोल नंबर छपे हुआ करते थे। अपने पिताजी से पूछिएगा, वो बताएंगे, जिसका रोल नंबर उस अखबार में होता था वो पास होता था। फर्स्ट सेकंड डिवीजन से भी कोई मतलब नहीं है। बोले हाँ भैया तुम्हारा रोल नंबर मिल गया? बोले मिल गया, बस भैया मिठाई खिला देना, आराम से गए मिठाई बांट रहे हो भैया, हम बोर्ड एग्जाम में पास हो गए। और उस जमाने में परसेंटेज बहुत कम रहा करती थी, बहुत कम कम लोगों के नंबर आया करते थे। पूछिएगा अपने पिताजी हो, थोड़ा सा अपने ताऊ जी वगैरह हो, उनसे पूछिएगा, बताएंगे। तो कोई फर्स्ट डिवीजन नहीं, कोई सेकंड डिवीजन नहीं, वो जब रिजल्ट आता तब पता चलता था कितने आए। क्या होता था, बस रोल नंबर देखा, बहुत सारे रोल नंबर छपे होते, पूरा कॉलम होता, देखते थे, अरे हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अब जिसका नहीं मिलता था, सोचिए कितना डर लगता था, चेक करना, अरे नहीं मिला, इस पर नहीं मिला, इस पेज पर नहीं मिला, अब क्या होगा मेरा, बहुत डर लगता था। और उस जमाने में परसेंटेज किसी की 50 आती थी, 45 आती थी, 48 आती थी। आजकल तो चीजें बहुत बढ़िया हैं, बेहतरीन रिजल्ट, किसी से पूछे कितना रिजल्ट आया, 95% रिजल्ट गया, 5% कौन से फेल हुए, जिनने छोड़ दिया था लेकिन नहीं पाए पेपर, पर तबीयत खराब हो गई वो वाले, 100% लोग लगभग पास होने लगे हैं, लगभग लगभग सभी जो कायदे से पेपर देते हैं, जो औरे बौरे हैं उनकी तो बात छोड़ दे, उसके अलावा जितने होते हैं लगभग सब पास हो जाते हैं। तो फिर डर काहे का है। और अब डिजिटलाइजेशन भी हो गया, कोरोना भी अभी अभी गया है, सरकार रिजल्ट भी बेहतरीन देने वाली है, तो फिर डरने की जरूरत क्या है। हर आदमी वही, सर जी डर लग रहा है, क्या करें, डर लग रहा है, डर का एक भैया कैप्सूल आता है, खा लो बिल्कुल डर दूर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है यार, बिल्कुल आराम से मस्त होके जहां मौसी के यहाँ, इस समय तो भाई से बरातों का सीजन है, जाओ पनीर पर फोकस करो यार, कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो। रिजल्ट बढ़िया आएगा, कब तक आएगा, मई के आखिरी में आ जाएगा वरना जून के शुरू में आ जाएगा। बहुत सारे कमेंट, रिजल्ट कब आएगा, वीडियो बनाइए, क्या बनाए डेली। आपने देखा अभी हम चाहें, आप देखिएगा जिन पर रिजल्ट वाली वीडियो ज्यादा व्यूज आते हैं उस पर, हम चाहें डेली वही बनाएं, आप देखना पसंद करेंगे, लेकिन घिसा पिटा कंटेंट थोड़े ना होता है यार, वही डेली यूपी बोर्ड रिजल्ट, यूपी बोर्ड रिजल्ट, काहे का रिजल्ट यार, किसी को नहीं मालूम है कि रिजल्ट कब आएगा। तो सबसे पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, शादियों का सीजन है, आराम से फोकस करिए, ज्यादा बढ़िया मामला है। मम्मी इसके, देखो भाई हमारा भी शादी करने मन कर, बारात रात करो, किनारे हो यार, पनीर पर फोकस करो, बिल्कुल भी टेंशन में लीजिए। उस जमाने में लोग तो मानते थे भैया डर लगता था यार, एक ही पन्ना है, डेढ़ पन्ना, दो पन्ने हैं, 40% रिजल्ट गया है तो भैया 100 में 40 में आना बड़ा कठिन है। आजकल 100% रिजल्ट है, सब पास हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन में लीजिए, रहेगा रिजल्ट की बात, बहुत ही जल्द आने वाला है। और मान के चलिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, उल्टी गिनती काहे की, आपके पास होने के अच्छे नंबरों के आने की, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। उम्मीद करते हैं आपका थोड़ा सा हौसला बढ़ गया होगा, थोड़ा नहीं बहुत बढ़ गया होगा, और अब आप रिलैक्स करेंगे, जाके कहीं पनीर पर फोकस करेंगे, कुछ अच्छी चीजें खाएंगे और थोड़ा सा चिल करेंगे, कहते हैं चिल बाबा चिल, मिस्टर इंडियन हैकर साहब कहते हैं। तो बस उम्मीद करते हैं पूरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। कल मिलेंगे 9 बजे सीरीज की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो आए वैसे ही आप हमसे संपर्क कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।